Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video, I'm going to explain the chapter of class 5, English. So, the student of class 5, आप अपने अपने घरों में open your books, अपने English के books open कर सकते हैं. And let's see what we have in this chapter. The first chapter is unit number 1, the world in a wall. The world in a wall. एक दीवार में दुनिया. ठीक है? Firstly, let's have a look of the words to know. Words to know, देख लेते हैं पहले. Bulbous, fat bulging and round shaped like a bulb. इसकी क्या मायने होंगे? बुलबुले जैसा. ठीक है? Bulging, swelling outward, sticking out, means फूला हुआ. Confetti, confetti कहते हैं चमकदार लहरों को. Small pieces of colored paper, traditionally thrown on birthdays and marriage. जो चमकदार या रंगीले आप कह सकते हैं पेपर्स होते हैं उनको कह रहे हैं यहाँ पे. डॉडलिंग बींग स्लो. डॉडलिंग मीन्स होता है वक्त ज़ाया करना, सुस्त होना. इनरैप्चर्ड. इनरैप्चर्ड मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय. इनरैप्चर्ड मीन्स नहायत खुश. इनफाइनाइट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मेजर. लामतनाही या बहुत ज़्यादा. इनफाइनाइट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, लिमिटलेस जिसकी कोई लामहदूद. Intricate, extremely detailed and complicated. बहुत ज़्यादा तफसीली या बहुत ज़्यादा मुश्किल. Oblivious, unaware, यानी कि जिसके बारे में खबर नहीं हो कुछ. Phobia, an extreme fear of something. Phobia डर को कहते किसी तरीके के. Predator, animal that hunts and kills another for food. Predator कहते हैं शिकारी जानवर को. ठीक है. Quashed, rejected or stopped. Quashed कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कुछ स्क्वैश करें, यानी मत कुचलना किसी चीज़ को. ठीक है. रिजेक्ट मीन्स होता है कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना. रैपिडिटी, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेज़ी से हरकत करना, फुर्ती से हरकत करना. रिलक्टेंटली, विथ हेजिटेशन, अनविलिंगली, यानी कि हिचकिचाहट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना हो. रिपरकशन एंड अनइंटेंडेड, अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, यानी कि अनचाहा रिजल्ट जो अगर आपने सोचा ना हो, इस तरीके की कोई बात हो जाए. रोटन, लार्ज एंड प्लम्प, इसका मतलब है बहुत बड़ा, गोल मटोल, मोटा ताज़ा. स्कटल्ड, रैन विद क्विक हेस्टी स्टेप्स, मीन्स छोटे छोटे कदमों से भागना तेज तेज. सप्रीटिशियसली, सीक्रेटिवली और स्नीकीली, मीन्स के चुपके से कोई काम करना या चोरी छुपे सीक्रेटली राजदारी के साथ कुछ करना. ठीक है. Now let's start the reading the chapter. Firstly, we have a small paragraph about the writer. ठीक है. This extract is from the autobiography. ये extract जो है किसी एक autobiography से लिया गया है. My Family and Other Animals by Gerald Durrell. इस autobiography का नाम है My Family and the Other Animals, जो कि Gerald Durrell ने लिखी है. Gerald Durrell ने लिखी है. ठीक है. He was an expert in studying animals. आप जो है वो जानवरों के बारे में मुताला करने में बहुत एक्सपर्ट थे, माहिर थे. When he was 10 years old, जब आप 10 साल के थे, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece. तो आप जो है अपनी मदर के साथ, अपने siblings यानी अपने बहन भाइयों के साथ कॉर्फू के जजीरे पे मुंतकिल हो गए थे. ठीक है. अच्छा, वहाँ ही पर फिर आप ग्रोन अप हुए अपने भाइयों के साथ, लैरी के साथ, अपने भाई लैरी के साथ. इट वाज हियर दैट डर्रेल बिगन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट. और यहीं से फिर शुरुआत हुई थी कि इन्होंने एनिमल्स को अपना पेट बना के रखना, यानी अपना पालतू जानवर बना के रखना शुरू किया था और जमा करना शुरू कर दिया था. ठीक है. नाउ स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलोंग साइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. घर के पास जो है एक बाग था इनके. घर के पास जो गार्डन था वहाँ पर एक खस्ताहाल दीवार थी जो कि इनके लिए शिकार से भरपूर थी. हंटिंग ग्राउंड यानी शिकार करने के लिए इनके लिए बेहतरीन जगह थी. इट वॉज़ एन एंशियंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस बल्जिंग एंड सॉगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स. कह रहे हैं कि ये ईंटों की बनी एक पुरानी सी दीवार थी जिसमें प्लास्टर हुआ हुआ था. ठीक है ना, प्लास्टर्ड हुआ हुआ था. अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अब जो है काई जम चुकी थी जिसकी वजह से ग्रीन हो गई थी. काई होती है ना ग्रीन कलर की, वो जम चुकी थी और सर्दियों की नमी से ये फूली हुई और ढलकती रहती थी, मोटी मोटी सी लगती थी. ठीक है.
द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स. अच्छा, यानी कि सारी सतह जो थी वो दरारों का एक मैप था, यानी दरारें बनी हुई थी सब जगह ना, दरारों से अजीब अजीब तरह के नक्शे बन रहे थे. सम सेवरल इंचज वाइड, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स. कुछ जो थी वो काफ़ी चौड़ी थी, सेवरल इंचज वाइड, कुछ इंचों तक चौड़ी थी, और कुछ जो थी वो इतनी फाइन और इतनी पतली थी जैसे कि बाल, बालों की तरह बारीक थी, पतली थी. हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवील्ड द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ. इधर उधर जो है बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिरे पड़े होते थे जिससे नीचे मौजूद गुलाब जैसी गुलाबी ईंटें नुमाया हो गई थी. ईंटों के लिए इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है. द इनहैबिटेंट ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट एंड दे वर डिवाइडेड इंटू डे एंड नाइट वर्कर्स, द हंटर्स एंड द हंटेड. कह रहे हैं दीवार के अंदर रहने वालों का जो मतलब रहने वाले थे इनहैबिटेंट, जो उसके अंदर रहने वाले जानवर वगैरह थे, वो बहुत सारे मींस किस्म के थे. मिक्सड लॉट यानी बहुत सारी किस्म के अलग अलग तरह थे, लेकिन उनको डिवाइड किया जा सकता था दिन और रात के शिकार और शिकारियों में. यानी कुछ जो थे वो शिकार करते थे और जो कुछ थे वो शिकार हो जाते थे. ठीक है. एट नाइट द टोड्स एंड द जैकॉक्स वर एट नाइट द टोड्स एंड द जैकॉक्स वर द हंटर्स. रात के वक्त क्या होता था, रात के वक्त इसमें मेंढक और छिपकलियाँ शिकारी होते थे. द प्रे वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टुपिड ऑब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, मोथ्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रॉटन बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट वर्क. अच्छा, इनका शिकार क्या क्या चीज़ होती थी, बेवकूफ़ गायब दिमाग क्रेन मक्खियाँ, मक्खियों को कहा गया बेवकूफ़. ठीक है, गायब दिमाग मक्खियाँ होती थी, तमाम शक्लों और जिसामत के पतंगे होते थे, और ये क्या करते थे रात में, काम में जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर करते मुटताते भंवरों की आबादी होती थी, भंवरे वगैरह होते थे, रॉटन वगैरह. ठीक है, तमाम एनिमल्स होते थे जो कि क्या होते थे, शिकार हो जाते थे छिपकलियों का और मेंढक का. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बाय डे, और दिन के वक्त इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर. यानी दिन के वक्त मुश्किल होता था ये बताने के लिए कि कौन शिकार है और कौन शिकारी है. एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स. ऐसा लगता था हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी. द हंटिंग वॉज सर्च आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स एंड द स्पाइडर्स हंटेड ऑफ फॉर फ्लाई, द ड्रैगन फ्लाईज फेड ऑफ द स्पाइडर and the flies and the swift multicolored wall lizards fed off everything. Like यानी कि कह रहे हैं कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी. सबसे पहले तो जो शिकारी जो कैटरपिलर्स होते हैं, लार्वे वगैरह होते हैं, तो वो क्या करती थी, वो मकड़ियों को पकड़ के खा लेती थी, मकड़ियों का शिकार करती थी, मकड़ियाँ मक्खियों का शिकार करती थी, और भुनभुरियाँ जो होती हैं वो मकड़ियों और मक्खियों से पेट भर लेती थी अपना, और तेज़ रफ्तार रंगीन पे जो दीवारें पे कलर चिपकलियाँ होती हैं वो तो हर चीज़ को ही खा जाती थी, हर चीज़ फेड ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज़ पे गुजारा कर लेती थी. बट माई फेवरेट इज़ वो द शाइएस्ट मेम्बर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी. लेकिन इनका कह रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट था यानी मेरा पसंदीदा सबसे जानवर था वो कौन था, शाइएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा शाय था, शर्मीला था. हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो कि किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं लेता था हमारी. दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी वही था. यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट. आपने अगर अभी तक मतलब शायद ही आपने कुछ तौर पर अगर उसको तलाश नहीं किया तो आपने बमुश्किल ही कभी उसको देखा हो. ठीक है. एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल. और इसी तरीके से कह रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में हो सकता है वो वॉल के जो क्रैक्स हैं उसके अंदर और भी रहते हों. इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर, अगर आप आराम से प्लास्टर का एक लूज होता हुआ हिस्सा उठाएंगे, टुकड़ा हटाएंगे अवे फ्रॉम द ब्रिक, उस ईंट से उठाएंगे, देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, तो उसके नीचे दबका हुआ आपको एक चीज़ महसूस होगी. वो क्या चीज़ होगी, वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, एक काले रंग का बिच्छू नजर आएगा आपको, एन इंच लॉन्ग, जो कि एक इंच लंबा होगा, लुकिंग एज थो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और ऐसा लगेगा जैसे वो पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया हुआ है. दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, ये दिखने में बहुत ही अजीब किस्म का जानवर था, विद देयर फ्लैटन ओवल बॉडीज
यानी उसका जिस्म जो था वो चपटा था, बेजवी शक्ल का था, ओवल बॉडीज थी, दे आर नीट क्रोक्ड लेग्स, और उनकी टांगे जो थी वो क्रीक थी, ठीक है, द एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉस, और उनके जो क्लॉस यानी जो उनके पंजे थे वो कैसे थे, बड़े केकड़े की तरह थे, क्रैब की तरह थे, बल्बस एज नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, और कैसे थे बल्बस, यानी वो जो हमने बताया था घुटी घुटे हुए और सफाई से जुड़े हुए होते थे, ठीक है, एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और जो उनकी क्या कहते हैं डंक होता है, वो डंक कैसा होता था उनका, भूरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम होती थी जो कि गुलाब के कांटे जैसे डंक पर ख़त्म होती थी। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामाइंड हिम, ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, यानी कि अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तो बिच्छू जो है वो अपनी खामोशी से अपनी जगह पे पड़ा रहता है, वो ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करता जब आप उसको एग्जामाइन कर रहे हैं, यानी जब आप उसको देख रहे होते हैं। अगर आपकी सांस ज़्यादा जोर से उससे टकराती है तो फिर जो है वो अपनी दुम उठाता है या वो आपको हमला करने की करता है। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल वेयरिंग वॉट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, यानी कि एक दिन फिर ये हुआ कि उन्होंने उस दीवार में एक कह रहे हैं कि मुझे एक फीमेल स्कॉर्पियन मादा बिच्छू मिला, बिच्छू मिली दीवार के अंदर, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्किनी कलर का कोई कोट पहना हुआ है, ठीक है ना, फर कोट पहना हुआ है हल्का सा। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट दिस स्ट्रेन गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, यानी क्लोजर इंस्पेक्शन यानी जब करीब से आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है ये अजीब लिबास कोई मतलब कोई उसका डिज़ाइन नहीं था, बल्कि क्या था उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टाइनी बेबीज थे, छोटे छोटे उसके बच्चे थे जो कि उसकी बैक पर अपने मदर की बैक पर अपने मदर के ऊपर चढ़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चों का हुजूम था। आई वॉज इन रैप्चर बाय दिस फैमिली, मैं मतलब एकदम से क्या हुआ बहुत खुश हुआ, इन रैप्चर बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस फैमिली को देख के, एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस, यानी कि मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं इन्हें अपने घर स्मगल करूँगा या अपने घर लेकर चला जाऊँगा, एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले जाऊँगा, सो दैट आई मैट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप, ताकि मैं इनको अपने बेडरूम में रख के अपने सामने ही बढ़ता हुआ देख सकूँ। विथ इनफाइनाइट केयर आई मूव द मदर एंड द फैमिली इन टू अ मैच बॉक्स एंड देन हरी टू द विला, यानी मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ केयर के साथ उसकी मदर को और उसकी पूरी फैमिली को एक मैच बॉक्स एक माचिस की डिब्बी में रखा एंड देन हरी टू द विला, और फिर जल्दी जल्दी अपने विला पहुँचा। ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये क्रैक ऑफ द वॉल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वॉल से ये निकली है क्रैब, क्रैब नहीं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, और उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं छोटे 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 और ये आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे स्कॉर्पियन हैं, इसके बेबीज हैं, इसको उन्होंने उठा लिया अपने मैच बॉक्स में बंद कर लिया है और अपने घर ले गए, अपने विला ले गए। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर लंच शुड बी सर्व्ड, यानी कि इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, यानी कि बहुत ही बदकिस्मती की बात थी कि जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त लंच का टाइम चल रहा था, लंच था, लंच सर्व किया जा रहा था। हाउ एवर आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस, कहने लगा फिर भी मैंने क्या किया माचिस की डिब्बी को एहतियात से दीवान खाने की अंगीठी पर रख दिया, दीवान खाना मेंटल पीस ड्राइंग रूम को कहते हैं ना इसे, दीवान खाना यानी ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पे रख दिया, अंगीठी के ऊपर रख दिया, ठीक है, एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और फिर मैं खाने के कमरे तक पहुँचा एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील, और फिर घर वालों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। डॉडलिंग ओवर माई फूड, यानी कि मैं बड़ा सुस्ती के साथ खाना खा रहा था, खाने में देर लगा रहा था। फीडिंग रॉजर सरप्टिशियसली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, रॉजर जो था एक रॉजर को फीड कर रहे थे वो टेबल के नीचे से, रॉजर को खाना खिला रहे थे और अपने घर वालों की बातें भी सुनते जा रहे थे जो कि शायद आपस में बहस कर रहे थे अंडर द टेबल। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर, और मैं मुकम्मल तौर पे अपने नए शिकार के बारे में जिसको मैं पकड़ के लाया हूँ उसके बारे में मुकम्मल तौर पे भूल गया। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, जब आखिर में लैरी ने खाना खा लिया,
फैच द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग। तो वो सिगरेट उठाने लगा, ड्राइंग रूम में जाके सिगरेट्स उठाने लगा। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट। और तो वो क्या किया, उसने चेयर पे बैठ गया वो, और अपने माउथ में वो एक सिगरेट रख कर मैच बॉक्स उठाने लगा सिगरेट जलाने के लिए। ऑब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, यानी कि मेरी ज़िंदगी के जो मतलब हैप्पी डेज हैं वो ख़त्म होने वाले थे। आई वॉच माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन्ड द मैच बॉक्स। यानी मैं देखता रहा अपने बड़े भाई को बड़ी दिलचस्पी से कि वो बातें भी कर रहा था जोर जोर से, और फिर उसने मैच बॉक्स खोल दिया। नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म। तो मैं आप सबको ये बताता हूँ, यानी इंसिस्ट करता हूँ, सब पे जोर देता हूँ कि ये जो फीमेल स्कॉर्पियन है ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। शी वॉज नर्वस एंड अ लिटिल अनॉयड एट बींग शट अप इन अ मैच बॉक्स। वो नर्वस थी और नाराज़ हो गई थी मैच बॉक्स में बंद करने की वजह से फॉर सो लॉन्ग लंबे टाइम के लिए। एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। तो उसने सबसे पहले ही जैसे मैच बॉक्स खुली तो उसने भागने की करी। शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने अपने आप को बाहर निकाला बॉक्स से विथ ग्रेट रैपिडिटी, बहुत तेज़ी के साथ। हर बेबीज की लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, और उसकी बेबीज भी उसके ऊपर डेस्परेटली फिर रहे थे तो उधर। एंड स्कटल ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और फिर वो क्या हुआ, मतलब वो लैरी के बैक पर चढ़ गया। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन वॉट टू डू नेक्स्ट, और कुछ समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। शी पॉज्ड, वो रुकी, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, और उसका जो स्टिंग था वो जो डंक था वो मीन्स उठा। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ अ क्लॉज, लैरी जो था वो उसके पंजों की मूवमेंट को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। ग्लैंस डाउन टू सी वॉट इट वॉज, और फिर मतलब वो और से देखने लगा कि क्या चीज़ है ये, वट इट वॉज। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, और फिर जो थी वो चीज़ें और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई, यानी यहाँ से कन्फ्यूजन और ज़्यादा स्टार्ट हो गई। ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट, यानी उसने डर के मारे चीख मारी। दैट ब्रॉट रॉजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, जिससे टेबल के नीचे जो रॉजर छुपा हुआ था वो भी बाहर निकल कर आ गया। बार्किंग वाइल्डली, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, उसने अपने एक हाथ के झटके से, फ्लिक ऑफ हिज हैंड यानी कि हाथ को झटका दिया। एंड ही सेंड द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, और उसने क्या किया उस स्कॉर्पियन को, बदकिस्मत स्कॉर्पियन को टेबल पर छोड़ दिया, या टेबल पे वो फेंक दिया, टेबल पे चला गया वो। अच्छा जी। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो मार्गो और लेस्ली के दरमियान में जाके लैंड हुई, यानी वहाँ जाके गिरी वो, रुकी। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फिटी एज शी थम्प्ड ऑन द क्लोथ, यानी कि उसके बच्चे जो उसके ऊपर सवार थे वो भी बिखर गए, इधर उधर बिखर गए। मेज पोश यानी जो आपका क्लोथ होता है, टेबल क्लोथ होता है, उस पर वो जगह जगह बिखर गए, सब जगह फैल गए। एंड विद दैट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू काउस, यानी कि एकदम से क्या हुआ, एकदम से बड़ी तब्दीली आई। लोग सुकून से सब खाना खा रहे थे, वो सब जो है अफरा तफरी मच गई, सब चीखने चिल्लाने लग गए। थॉरली इनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट, एकदम से सब को गुस्सा आया, इस पर शदीद गुस्सा आया कि क्या हुआ है। द क्रीचर स्टेप टूवर्ड्स लेस्ली, और वो जो क्रीचर था, वो जो स्कॉर्पियन था, वो लेस्ली की तरफ बढ़ने लगी। हर स्टिंग क्विवरिंग विद इमोशन, उसका जो स्टिंग था, जो उसका डंग था, वो भी उछलकर, मतलब क्या कहते हैं, डंग था वो भी कांप रहा था, यानी फ्लेक्ट आउट यानी कांप रहा था। अच्छा जी। हर स्टिंग क्विवरिंग विद इमोशन, यानी उसका स्टिंग जो था वो कांप रहा था, उसका डंग एंड लीड टू हिज फीट, और वो उछलकर, लेजी जो थी वो उछलकर खड़ी हो गई। अच्छा। ओवरटर्निंग हिज चेयर एंड फ्लिक्ड आउट, अच्छा, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लोथ टूवर्ड्स मार्गो, और जैसे ही वो मतलब उछलकर खड़ी हुई, एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लोथ टूवर्ड्स द मार्गो, और उसने फिर क्या किया, वो जो क्या कहते हैं क्लोथ है उसको, टेबल क्लोथ को नैपकिन से धप्पा मारा, यानी कि उछाला, और तो बिच्छू जो था वो कलाबादियाँ खाता हुआ मार्गो की तरफ चला गया। अच्छा। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम, यानी मार्गो ने भी फिर क्या किया, बहुत ज़ोर से चीख मारी। यानी कि मार्गो जो है फिर वो भी चीखा जिस तरह से रेलवे का इंजन चीखता है, ठीक है, मतलब रेलवे का इंजन भी जो है अगर इतनी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको फ़ख्र महसूस होगा। एक
लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो। मार्गो ने कहा देखो देखो, चीख मार के, देखो देखो, देख के ध्यान से वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, रोड लेसली, डोंट पैनिक, हिट दम विद अ बुक। तो लेसली ने ज़ोर से कहा कि हमें सिर्फ़ एक किताब चाहिए, हमें सिर्फ एक किताब चाहिए, बुक चाहिए, हिट दम विद अ बुक, यानी बुक से उन्हें हम मार देंगे, किताब से उन्हें मार देंगे। मदर कम्प्लीटली बीवल्डर्ड बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू काओस। जो उनकी मदर थी, अचानक से जो हमने सुमुख सुकून का माहौल था खाना खाते सब, उसके उसके बाद जो अचानक से ये अफरा तफरी मच गई, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने क्या किया, वो कम्प्लीटली बीवल्डर्ड थी, यानी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि किस वजह से हो रहा है सारा हंगामा ना। सो पुट ऑन हर ग्लासेस, उन्होंने फिर अपना चश्मा लगाया, चश्मा पहना, एंड पीयर डाउन द टेबल, और उस टेबल की तरफ देखा गौर से ना, घूर के देखा टेबल की तरफ, टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पेंडोमोनियम, यानी क्या मसला है, किस वजह से जो है इतना चीखो पुकार मच रही है। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट। इतने में ही क्या हुआ, जब तक मम्मा ने, मदर ने उनकी देखा, इतने में ही उसने क्या की, उस उन स्कॉर्पियंस को रोकने के लिए उनके ऊपर एक ग्लास भर के पानी फेंक दिया मार्गो ने, कि भाई स्कॉर्पियन जो है वो आगे ना बढ़े, उसने उसके ऊपर एक ग्लास पानी डाल दिया। अच्छा, द शावर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली। अच्छा, पानी गिरने की वजह से जो एनिमल था, वो जो जानवर था, वो मतलब बिल्कुल ही मिस्ड हो गया, यानी कि बट सक्सेसफुली ड्रेंच मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर प्रॉमिटली लॉस्ट अ ब्रेथ एंड सेट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन। यानी कि पानी की जो क्या कहते हैं बुछार थी, उसने जानवरों को छुए बगैर, जानवरों को तो छुए बगैर ही गुजर गई, लेकिन उनकी जो मदर थी उसको चराबूर कर दिया, जो ठंडे पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, कोल्ड वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो फौरन सांस खो बैठी, यानी उनके ऊपर एकदम से कोल्ड वाटर, ठंडा पानी गिरा, तो वो एकदम से सांस खो बैठी और हांफने लगी। ठीक है, ब्रेथ आउट होने लगी बहुत ज़्यादा, और कुछ कह भी नहीं सकी वो, मेज के बस कॉर्नर पर आके बैठ गई, कुछ कह भी नहीं सकी वो। गेट अ नाइफ, हिट देम विद द बुक, शाउटेड लैरी, दैट बुक, दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, बाह, लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम। फिर लैरी जो था वो शाउट करने लगा, चिल्लाने लगा कि भाई छुरी लाओ या चाकू लाओ और इनको किताब से मारो, ये लड़का हम सबको मार डालेगा, यानी उसके बारे में बात हो रही थी जो इनको लेकर आया था, कि ये लड़का हम सबको मार डालेगा, मेज को देखो बिच्छुओं से भरी पड़ी है, मारो ने, किल देम, ओह नो, डोंट हर्ट देम, आई विल कैच देम। तो उसने कहा कि नहीं नहीं इन्हें मत मारो, इन्हें नहीं नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, आई विल कैच देम, मैं इन्हें पकड़ता हूँ, मैंने पकड़ लूँगा। आई प्लीड इट अनटिल अनटिल एवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर लेसली सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड वॉज क्वैश्ड। अच्छा, इन्हें कहने लगा कि मैं गिड़गिड़ाता रहा, यहाँ तक कि माँ, उनकी जो मदर थी, वो भी लैरी की हिमायत करने लगी, लैरी की बात को मानने लगी कि सबको मार डाला जाए। बिलाखिर ये बात मुस्तरद हो गई, यानी बात बिलाखिर ऐसा मतलब उन्होंने कैंसिल कर दिया। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड, ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी। अच्छा, जब तक ये सारा काम हो रहा था, जब तक कि हम सब इस बातों में लगे हुए थे, तो जितने भी बच्चे थे बिच्छू के, वो तमाम जो है मुख्तलिफ प्लेटों के नीचे, छुरी कांटों के नीचे छुप चुके थे। ठीक है, छुप गए वो सब जाके। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर नुमेरस, यानी इसके जो रिजल्ट थे वो बड़े 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 थे, अनगिनत रिजल्ट जो थे वो बरामद हो रहे थे, इसमें से नतीजे बरामद हो रहे थे। वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, जबकि फैमिली जो थी वो अभी तक एंग्री भी थी, नाराज भी थी, फ्राइटेंड, डरी हुई भी थी, खौफ का शिकार हो गई थी वो। ठीक है, मूव टू द सिटिंग रूम, आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज, यानी कि फिर वो लोग अलग रूम में चले गए, अलग रूम में जाके बैठ गए, और कहने मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा लगा उन बेबीज़ को राउंड 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 राउंड
पकड़ने में मुझे आधा घंटा लग गया। फिर उसके बाद पिकिंग देम अप इन अ टी स्पून, मैं उनको एक टी स्पून पर उठाता था एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर बैग, और उनको उठा के उनकी मदर की बैग पे वापस रख देता था। देन आई कैरी देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन अ ग्रीन ऑन द गार्डन वॉल। यानी कि फिर मैंने क्या किया, एक प्लेट पर, एक सॉसर होता है ना चाय के ऊपर जिसमें प्लेट रखते हैं, सॉसर छोटी प्लेट होती है, वो उठाया उसके यहाँ पर रखा उसको, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलक्टेंटली हिचकिचाते हुए उनको दोबारा बाकी दीवार पर छोड़ कर आ गया। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंट द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। उसके बाद कह रहे हैं रॉजर और मैंने जाकर बाकी की जो नून आफ्टरनून था, पूरा दोपहर, वो हमने बाहर गुजारी, पहाड़ी पर गुजारी, क्योंकि बिकॉज फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, कि ताकि हमारी फैमिली जो है अपनी शक्ल अपने घर वालों को दोबारा दिखाने से पहले एक गैप कर लें, एक ब्रेक कर लें। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। लैरी को जो है अब वो तब से जो है माचिस की डब्बियों से डर लगने लग गया है या खौफ आने लग गया है। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट रेपरकशन ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड। लेकिन जो इसका कह रहा है, जो मेरा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा नुक्ता नज़र था, उसके लिए ये नतीजा निकला कि अम्मी ने मुझे हैवानात की, जो इनको आदत थी या इनको शौक था जो एनिमल्स के बारे में जानने का, कह रहे हैं अम्मी ने मुझे जानवरों का मुताला करने की रोकने की कोशिश करने का फैसला कर लिया। यानी कि उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे इस तरह से नहीं करने देंगे, एनिमल वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लोर करने नहीं देंगे। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन, शी सेड आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर। यानी वो कहने लगी कि तुम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, काबू से बाहर जा रहे हो, तो ये अच्छा वक्त है कि तुम्हें मज़ीद थोड़ी सी एजुकेशन दिलाई जाए, तुम्हें थोड़ी सी तालीम दिलाई जाए, और मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त कर रही हूँ, ठीक है, एक उस्ताद का बंदोबस्त कर। जर्नल डरल अडेप्ट। सो दिस वॉज द स्टोरी, एक स्टोरी थी, और यहाँ पे देखें एक पिक्चर है, उसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये पिक्चर है जब इनके टेबल पे ये इस तरीके से बिखर गए होंगे ना, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के बेबीज। सो ये सब दोनों फ्राइटेंड खड़े हैं यहाँ पर, यकीनन ये रॉजर और लेस्ली होगी जो डर गए थे ना, और ये टेबल है इनके खाने की, इस तरह स्कॉर्पियन बिखरे पड़े हैं। अबाउट दी ऑथर, ऑथर के बारे में यहाँ पे मजीद डिस्क्रिप्शन दी हुई है, चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। 1925 to 1995 वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जू कीपर, कंजर्वेशनलिस्ट, ऑथर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर, बट ही इज़ परहैप्स बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर द बुक्स ही रोट अबाउट हिज लाइफ एज एन एनिमल कलेक्टर एंड एंथुजियास्ट। डरिल वॉज टेकन टू अ जू वैन ही वॉज वेरी यंग एंड ही सेड दैट दिस वॉज वेन हिज लाइफ लॉन्ग लव ऑफ एनिमल्स बिगिन। यानी कि आप इंग्लिश नेचुरलिस्ट भी थे, जू कीपर भी थे, ठीक है ना, चिड़ियाघर में जो मतलब काम करते हैं, कंजर्वेशनलिस्ट भी थे जो कि कुदरती वसाइल को तहफ़ फराहम करते हैं, ऑथर राइटर भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, अच्छा टेलीविजन प्रेजेंटर, टीवी पे भी प्रेजेंटर थे, और इसके अलावा आपने बुक्स भी लिखी हैं बहुत सारी जो कि आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी के तौर पे लिखी हैं, जिसमें आपने एनिमल कलेक्टर और एंथुजियास्ट के होने के बारे में बताया है, जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट भी लिया गया है जो हमने अभी यहाँ पर एक इंसिडेंट पढ़ा। आपको जू ले जाया गया था जब आप बहुत यंग थे, तो आपने वहाँ पर कहा था कि जानवरों के लिए उनका उम्र भर यहीं रहना यहीं से शुरू हुआ। यानी कि जानवरों, ये सबसे पहले जब वो जू गए थे तो जानवरों के लिए जो उनका एक कहना चाहिए प्यार था, या जो उनका शौक था जानवरों को रखने का, उनको कलेक्ट करने का, वो वहीं से उस जू में जब वो गए थे तो वहाँ से वो शुरू हो गया था। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड इन अ वॉल। आई होप आपको समझ आई होगी। इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन द कम्प्लीट चैप्टर एंड द कम्प्लीट इंसिडेंट, और आपको समझ आया होगा, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।